देख रहे हैं इसके लाइव। एक नजर डालते हैं आज की न्यूज हाइलाइट्स पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एम्स गुवाहाटी और 3 मेडिकल कॉलेजों का किया उद्घाटन। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हमने नॉर्थ ईस्ट को पहला एम्स दिया है, पिछली सरकारों ने आसाम के लिए कुछ नहीं किया। बंगाल हिंसा के बाद पहली बार वीरभूम पहुंचे अमित शाह, वीरभूम में करेंगे जनसभा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को राज्य के दौरे पर आ रहे हैं। इसी साल पंचायत चुनाव है और अगले साल लोकसभा चुनाव है, उसके पहले अमित शाह का बंगाल दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कोलकाता रामकृष्ण मिशन कोच्चि केंद्र के 75वीं वर्ष घाट पर बेलूर मठ की मातृ घाट से एकत्रित गंगा जल भेजा जा रहा है। इस मौके पर माननीय राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज सुबह बेलूर मठ पहुंचे और रामकृष्ण मिशन बलराम मंदिर में बेलूर मठ के 125वें स्थापना दिवस के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे। 2 मई से स्कूल में गर्मी की छुट्टी का नोटिस चाहिए। 22 दिन पहले ही स्कूल बंद करने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। शिक्षा विभाग को इस पर पूर्ण विचार करना चाहिए। यह मांग की है एडवांस सोसाइटी फॉर हेडमास्टर एंड हेडमिस्ट्रेस ने। सिलीगुड़ी नगर निगम और सिलीगुड़ी अम्बेडकर समाज ने भारत के संविधान रचयिता, समाज सुधारक, भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए हैं। नगर निगम मेयर सहित अधिकारियों ने सिलीगुड़ी जंक्शन स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उत्तर दिनाजपुर में चोपड़ा के चाय बगान में फायरिंग, गोली लगने से एक महिला मजदूर घायल। कुछ श्रमिकों का आरोप है कि भू माफिया इन आंदोलनकारी मजदूरों को जमीन से खदेड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्हें डराने के लिए बगान में फायरिंग की गई है। चोपड़ा पुलिस मौके पर पहुँच कर मामले की छानबीन में जुट गई है। कुछ बिहार में भीषण अग्निकांड में घर जलकर राख। बालाभूत ग्राम पंचायत की निवासी कृष्णा घोष के घर में किचन में रखा गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। घटना की सूचना मिलने के बाद तूफानगंज दमकल से एक गाड़ी मौके पर पहुंची। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड के संयुक्त प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस घटना में किसी के हाथाहात होने की कोई खबर नहीं है। सिलीगुड़ी ठाकुर नगर क्षेत्र से उत्तम सरकार नामक व्यक्ति ने 30 रुपए की लॉटरी टिकट में 1 करोड़ रुपए का इनाम जीता है। व्यक्ति ने कहा कि मैं पुरस्कार राशि से अपने बेटे का भविष्य बनाऊंगा और मैं व्यवसाय का विस्तार करने की सोच रहा हूं। फिलहाल के लिए इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारे। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। Damro, internationally trusted furniture. IGBC certified green buildings, CP Greens में पाइए 3 and 4 BHK spacious flats, सेवक रोड, सिलीगुड़ी के पास। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें अपना फ्लैट बुक करने के लिए। 5 BHK प्रीमियम विलास के साथ पाइए एक यूरोपियन लाइफस्टाइल जीने का मौका। डागापुर सिलीगुड़ी में बन रहा है ये प्रोजेक्ट, ओपन है बुकिंग्स के लिए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें। 50-70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, बट मनी कैन गिव यू कंफर्ट टू बी हैप्पी। फॉर रेडी एंड कस्टमाइज्ड फर्नीचर विजिट सिलेक्शन फर्नीचर, फर्स्ट फ्लोर, मेट्रो हाइट्स, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9832011336। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, थर्ड माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी।
कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103।